हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 8 से लेसन सेकेंड द मेकिंग ऑफ अ मिसाइल मैन। मिसाइल मैन जो कि अब्दुल कलाम जी की मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना होगा। हु हैज़ पुट अवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ अ साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड? जिन्होंने हमारे कंट्री को साइंटिफिक नेशंस में काउंट कराया, हमारे देश की गिनती साइंटिफिक नेशंस में होने लगी थी, किनके कारण? अब्दुल कलाम जी के कारण। यस, ही इज़ नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे और इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट बाय वर्च्यू मतलब गुण, क्वालिटी, बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड determination, determination means लग्न, अपने जो वर्च्यू थे उनके हार्ड वर्किंग थे काफ़ी, वो और काफ़ी लग्नशील थे, determined थे। he has risen to the highest office of our country, और बाद में वो अपने determination और हार्ड वर्क के कारण इस कंट्री की जो highest office है, सबसे बड़ा ऑफिस है, जो प्रेसिडेंटियलशिप का ऑफिस है, वहाँ पर वो पहुँच सके। His father was a poor man. उनके फादर एक गरीब इंसान थे। From him, अब्दुल कलाम learned to respect all the religion. और अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर से ही सीखा था सारे रिलीजन, सारे धर्म का रिस्पेक्ट करना। He read not only the Holy Quran, but also the Gita. ये आपका एक क्वेश्चन भी है, अब्दुल कलाम जी क्या पढ़ते थे? तो अब्दुल कलाम जी केवल होली कुरान नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, लेकिन इसके अलावा वो कुरान के अलावा गीता भी पढ़ा करते थे। ये चीज़ बताती है कि वो उनका हर रिलीजन को कितना वो रिस्पेक्ट करते थे। हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोटी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। जो उनकी फैमिली थी, वो अपने घर का जीवन यापन फेयरिंग पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्री रहते हैं, जो तीर्थ करने जाते हैं, उनको धनुषकोटी से रामेश्वरम की जो दूरी थी, नाव में बैठा कर वो तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम टेम्पल तक ले जाया करते थे। लेकिन डिवास्टेटिंग साइक्लोन, जो साइक्लोन आया था, उसके कारण उनकी बोट क्या हो गई? ख़राब हो गई। और इसके कारण जो उनका एक इकलौता सोर्स था कमाने का, वो भी क्या हो गया? चला गया। अब्दुल कलाम हैड टू फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन परसुइंग हिज स्टडी। परसुइंग मतलब कंटिन्यूइंग करना। अब्दुल कलाम जी को अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फैमिली थ्रो द क्राइसिस मतलब वो कठिन सिचुएशन में अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, अब्दुल कलाम कलेक्टेड टेमराइन सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप। वो टेमराइन सीड्स मतलब इमली के बीज कलेक्ट करते थे और उसको शॉप में बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, जैसे 6 पैसे पर आना उनको मिला, तो वो पैसे अपनी फैमिली को देते थे, जिससे उनकी फैमिली की मदद हो सके। ही ऑल्सो कलेक्टेड द पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल दीनामणी। वो एक न्यूज़पेपर भी स्प्रेड बांटा करते थे, जिनका नाम था दीनामणी, जिस न्यूज़पेपर का नाम था, वो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से लेते थे और अपने कज़न समुद्दीन की इस काम में हेल्प करते थे। फॉर दिस सर्विस, और इस सर्विस के लिए कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी। इस सर्विस के लिए उनको कुछ पैसे मिलते थे। दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। वो उनकी जो अर्निंग थी, उनकी जो कमाई थी, काफ़ी कम थी, फिर भी वो खुश थे कि किसी तरह वो छोटे छोटे काम करके अपनी फैमिली की मदद कर रहे थे। वो टैमराइन सीड खरीद रहे थे, इमली के बीज बेचते थे, इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, देन वो न्यूज़पेपर सोल्ड करते थे रेलवे स्टेशन में अपने कज़न्स के साथ, ताकि उसको उनको कुछ पैसे मिल सकें और अपनी फैमिली की वो किसी तरह हेल्प कर सकें। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न, ईगर यानी उत्सुक, ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। स्कूल में वो हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते थे, काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी आगे थे वो। इंग्लिश हो चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, तमिल हो, दीज ऑल सब्जेक्ट आर हिज फेवरेट्स। ये सारे सब्जेक्ट उनके फेवरेट सब्जेक्ट से। उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स भी लिखी हैं, जो तमिल में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। ही यूज़ टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच। वो अपना काफ़ी समय बीच पे बिताना पसंद करते थे, बीच, समुद्र का किनारा। Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it. तो बचपन से ही उनके मन में काफ़ी सारे सवाल उठते थे, जब भी वो बर्ड को फ्लाई करते हुए देखते थे, तो उनकी भी इच्छा होती थी कि वो भी बर्ड की तरह उड़ सकें। और यही कारण था, यही उनका पैशन था, जज्बा था, जो उनको इंस्पायर किया, जिससे उन्होंने डिज़ाइन की SLV-3 सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल उन्होंने डिज़ाइन किया।
ही स्टडी टिल 10:30 PM डेली, वो रात को 10:30 बजे तक डेली पढ़ते थे जबकि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सो ही हैड टू स्टडी बाय डिम लाइट ऑफ केरोसिन लैम्प, वो केरोसिन लैम्प में रात को जबकि उसकी लाइट काफ़ी डिम रहती है फिर भी वो रात को पढ़ा करते थे। इससे ये समझ आता है वो कितने डेडिकेटेड थे, कितने डिटर्मिनेशन कितना ज़्यादा था उनमें स्टडी को लेकर। एट ए स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंद शास्त्री, स्कूल में उनका एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था रामानंद शास्त्री, हुज फादर वॉज द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जिनके फादर हाई प्रिस्ट थे, बहुत बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के। रामानंदा एंड अब्दुल कलाम यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लास, रामानंदा और अब्दुल कलाम जी दोनों क्लास में एक साथ एक ही बेंच में बैठा करते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू दियर क्लास, ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू ब्राह्मिन, एक दिन एक नए टीचर उनकी क्लास में आए और वो टॉलरेट नहीं कर पाए मतलब सहन नहीं कर पाए कि कैसे एक हिंदू के बाजू में एक मुस्लिम लड़का बैठा है। पहले रिलीजन को लेके काफ़ी सारा सोचते थे लोग कि कैसे मतलब एक ब्राह्मण मुस्लिम के बाजू में बैठ सकता है, तो वो ट्रेडिशनल टीचर थे तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया कि वो लास्ट बेंच में जाके बैठ जाएं। रामानंदा वॉज इन वर्ज ऑफ टीयर, वर्ज ऑफ टीयर मतलब वो रोने वाले थे, रामानंदा रोना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि उनका जो दोस्त थे अब्दुल कलाम वो पीछे जाके बैठ गए थे। जो एगोनी थी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंदा, एगोनी मतलब पेन से समझ सकते हैं, वो दोनों काफ़ी पेनफुल फील कर रहे थे ऐसी सिचुएशन में। व्हेन रामानंदास फादर केम टू नो व्हाट हैड हैपन्ड इन द क्लास, ही सेंट फॉर द टीचर, जब रामानंदा के फादर जो कि एक हाई प्रिस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, जब उनको पता चला कि स्कूल के टीचर ने अब्दुल कलाम और उनके जो संत थे उनको अलग अलग बैठा दिया केवल इस कारण क्योंकि उनकी कास्ट अलग थी, तो वो टीचर के पास आए एंड ही टोल्ड द टीचर व्हाट ही हैड डन वुड ओनली ब्रीड कम्युनलिज्म, और उन्होंने बताया कि जो वो कर रहे हैं ये किसको बढ़ावा देता है, ये जातिवाद को बढ़ावा देता है। देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसीडेंट, उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसीडेंट था स्कूल लाइफ का। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम, उनके एक टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, और उन्होंने अब्दुल कलाम जी को एक बार लंच में इनवाइट किया था, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो ऑर्थोडॉक्स वूमेन थी, पुराने ट्रेडिशंस में बिलीव करने वाली वूमेंस थी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। किस लिए रिफ्यूज़ कर दिया, अब्दुल कलाम को फूड सर्व करने के लिए। जब अब्दुल कलाम के जो टीचर थे उन्होंने उनको किस लिए बुलाया था, लंच पे बुलाया था, और उनकी वाइफ ने क्या कर दिया था, अब्दुल कलाम जी को सर्व करने को मना कर दिया था, लेकिन जो टीचर थे उन्होंने खुद अब्दुल कलाम को फूड सर्व किया क्योंकि अब्दुल कलाम जी उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, उनको कोई भी ऐसी हेजिटेशन नहीं हुई खुद फूड सर्व करने में। उनकी वाइफ ने ये सारा सीन देखा और जब नेक्स्ट टाइम अब्दुल कलाम जी उनके यहाँ फिर से लंच में गए तो उनकी वाइफ ने अब्दुल कलाम को फिर क्या किया था, फूड सर्व किया था। फ्रॉम दिस इंसीडेंट ही लर्न दिस परसवरेंस मेक्स मेरिकल, इस चीज़ से उनको समझ आया जो परसवरेंस है मतलब कंटिन्यूटी या दृढ़ता है, एक दृढ़ विश्वास हो किसी चीज़ में तो उससे क्या होता है, जादू होता है, मतलब इंसान को सक्सेस मिलती है। ये आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा इससे, दैट हाउ अब्दुल कलाम लर्न दैट परसवरेंस मेक्स मेरिकल, तो आपको ये इंसीडेंट वहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब्दुल ज्वाइंड अ बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामेश्वरम, अब्दुल कलाम जी ने फिर स्कूलिंग पूरी करने के बाद जो हाई स्कूल था वो रामानंदमपुरम में स्टार्ट किया। हेयर ही लर्न दैट डिज़ायर्स बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन आर द की टू सक्सेस इन लाइफ, यहाँ पर उन्होंने सीखा था जो की है सक्सेस की, जो सक्सेस की सफलता की चाबी है वो क्या है, डिज़ायर इच्छाएँ, बिलीव विश्वास एंड एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्टेशन कितना करते हैं अपने आप से। He was favorite student of the school among the teachers. वो teachers के favorite students थे. He always remembered the motto of his school. उनके school का एक motto था जो हमेशा उन्हें याद आता है. Let not thy wing days be spent in vain. मतलब आपके जो let not thy wing days. Wing days मतलब wing याने होता है पंख, मतलब उड़ने वाले दिन, be spent in vain. आपके जो उड़ने वाले दिन हैं वो waste नहीं होने चाहिए. When
वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक, एक बार जो चले जाते हैं वो फिर वापस नहीं आ सकते। मतलब एक बार जो समय चला जाता है, जो आपका अच्छा समय रहता है, जिस समय आप उड़ सकते हैं, अगर एक बार वो समय चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ में अभी एक समय है पढ़ने का, अगर वो इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करता तो उसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो इसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता तो वो इस समय को कितने भी पैसे से, कोई भी गोल्ड इस समय को वापस नहीं खरीद सकता। तो उनको ये मोटो था उनकी लाइफ में कि जो समय अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पे प्रेजेंट में हमको क्या करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। ही नॉट ओनली रिमेंबर्ड दीज वर्ड्स बट ऑल्सो एक्टेड अकॉर्डिंगली टू बिकम एन एमिनेंट पर्सन। वो इन वर्ड्स को केवल याद नहीं रखते थे बल्कि एक्टिवली इन वर्ड्स को प्रैक्टिकल तौर पर भी अपने ऊपर अपनाते थे। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ द स्काई, वो स्काई की जो रहस्य है वो उस पर काफ़ी उनको लगाव था और वो अपना काफ़ी सारा समय डेडिकेट करते थे। और उन्होंने फिर बाद में डिसाइड भी किया कि वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करेंगे। उसके बाद उन्होंने MIT इंस्टीट्यूट, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग। हिज फादर वॉज नॉट इन अ पोजिशन, ऑल दो फिर भी उनके फादर जो थे इस पोजिशन में नहीं थे कि उनकी जो फीस है वो पे कर सकें। इस ग्रिम सिचुएशन में, ग्रिम यानी कठिन सिचुएशन में, जो उनकी सिस्टर थी वो एक एंजल की तरह आई, एक परी की तरह आई और उन्होंने अपने गहने जो उनके ऑर्नामेंट्स थे वो मॉर्गेज कर दिए यानी गिरवी रख दिए, जिससे कि अब्दुल कलाम जी की कॉलेज की फीस भरी जा सके। इट वॉज बाय हर सिंपैथी, वो उनकी सिस्टर की दया के कारण ही वो MIT ज्वाइन कर पाए। और अब्दुल कलाम ने उस दिन ये कसम भी खाई थी, वोट यानी कसम खाना, अब्दुल कलाम वोट देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, रिडीम यानी वापस लेना। तो उस दिन उन्होंने वो कसम खाई थी कि मैं जल्दी से जल्दी जो मेरी सिस्टर ने ऑर्नामेंट गिरवी रखे हैं, मॉर्गेज किए हैं मेरी फीस जमा करने के लिए, उसे मैं जल्दी से जल्दी उसको रिटर्न करूंगा, मतलब उसके अमाउंट पे करके अपनी सिस्टर को वो सारे गहने रिटर्न कर दूंगा। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट, और जैसे ही उन्होंने कमाना चालू किया, मतलब अर्निंग करना चालू किया, तो उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, वो ऑर्नामेंट अपनी सिस्टर को वापस, जो मॉर्गेज जो गिरवी रखे थे वो वापस उसको दिलवाए। एट एवरी स्टेप्स ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज अ शेडो, उनके पूरे करियर में वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, सक्सेस उनको एज अ शेडो फॉलो करती रही। पद्म विभूषण ये सारे अवार्ड्स हैं जो उनको कम्फर्ट किए गए, मतलब दिए गए। एंड द जो बिगेस्ट अवार्ड उनको मिला इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो मिला था भारत रत्न 1997 में। व्हेन ही गॉट दिस अवार्ड ही टोल्ड मीडिया दैट ही स्टिल रिमेंबर्स रामानंदा क्राइंग इन द क्लास व्हेन आई चेंज टू द रियर रो ने पीछे वाले सीट पे जब वो बैठ गए थे। जब भारत रत्न अवार्ड उनको मिला तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि आज भी उन्हें याद है कि कैसे जब मैं लास्ट रो में, रियर रो में बैठा था तो रामानंदा रोने लगा था। ये उनके वर्ड्स थे। And on 25th July 2002, when he was sworn in as the President of India, the school celebrated the day as festival. और जब 25 जुलाई 2002 में उन्होंने शपथ ली थी, sworn यानी शपथ लेना, as a President of India, वो इंडिया के राष्ट्रपति की जब शपथ ली थी उन्होंने, उस दिन स्कूल ने as a festival celebrate किया था। Sweets were distributed among the teachers और students के बीच में sweets बांटी गई थी। And during the assembly, the teacher showered praise on him and exhorted the students to emulate his examples. और assembly के दौरान teachers ने अब्दुल कलाम जी की काफ़ी तारीफ की और students को अब्दुल कलाम जी के आदर्शों पर चलने की बात कही, कि अब्दुल कलाम जी को ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आने वाली पीढ़ी इनसे काफ़ी कुछ सीखेगी और हार्डवर्क और अपने डिटर्मिनेशन से जो भी सक्सेस उनको पाना होगा वो पाएगी। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंस्पिरेशन स्टोरी है, काफ़ी इंस्पायर्ड करते हैं अब्दुल कलाम हमें। और एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी गरीब फैमिली से होते हुए भी जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, मोर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज़ द साइंटिस्ट हु मेड इंडिया इन द साइंटिफिक नेशन, इन द लिस्ट ऑफ द साइंटिफिक नेशन, जिन्होंने हमारे देश को एज अ साइंटिफिक नेशन के तौर पर पहचान दिलवाई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। अगर आपको समझ आ गई हो तो बहुत अच्छा है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बहुत ईजिली हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे आपसे बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।